आज प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट SYL सतलुज यमुना लिंक नहर के ऊपर। जैसे आपको सबको पता है कि सतलुज यमुना लिंक नहर लाइफ लाइन है हरियाणा की और पंजाब की भी, और SYL मुद्दा हमेशा ही सरगर्मियों में रहा है। ये मुद्दा ऐसे रहा हरियाणा के अंदर कि इस मुद्दे को लेकर ही कई बार सरकारें बनी, लेकिन सरकारें बनने के बाद ये मुद्दा ज्यों का त्यों वैसे ही पड़ा रहा। हरियाणा कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट के ने पक्ष में भी हरियाणा के फैसला दिया SYL के ऊपर, और कल पंजाब में SYL के ऊपर एक बहुत बड़ी सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के द्वारा। इस मीटिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री मनोरंजन कालिया जी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मंजीत सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, आप सभी ने इस सर्वदलीय मीटिंग में हिस्सा लिया और अपने अपने विचार पंजाब की मौजूदा स्थिति है जो पानी के ऊपर उसके ऊपर रखे। और इस मीटिंग के अंदर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि सभी पार्टियों ने इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि पंजाब के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। अब इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक बात कही कि जब ये फैसला हुआ था SYL का, उस समय की स्थिति पानी की पंजाब की अलग थी, और मौजूदा स्थिति के अंदर पंजाब के अंदर जो एक जोन है बठिंडा जोन, मालवा जोन, वहाँ पर वाटर की पानी की जो हम कहते हैं जमीन 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 से निकलता है पानी, वो काफ़ी हद तक नीचे और जा रहा है और पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। और इसी एरिया में जो कैंसर के पीड़ित लोग बहुत हैं, तो इसलिए पानी पंजाब के पास बिल्कुल नहीं है। जो पंजाब के तीन दरियाओं का पानी था, जो उसकी पंजाब की मौजूदा स्थिति कंजम्पशन ऑफ वाटर को देखते हुए, पानी बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने सभी ने एक ही मत किया, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस के मंजीत सिंह जी ने यह कहा कि हम वाटर रिसोर्सों को किस तरीके से पानी इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें गड्ढे बनाकर पानी की स्टोरेज करनी चाहिए, जो पंजाब की कमी है पानी की, उसके ऊपर भी सभी पार्टियों ने अपने पक्ष रखे। कुछ ने यह कहा कि जो हमारी जो फसलें होती हैं उसके अंदर हम वाटर पानी को कम से कम यूज करें, ताकि पंजाब में जो पानी की किल्लत है वो दूर हो सके। और इसके अंदर उसके पंजाब सीएम की स्टेटमेंट सीधे शब्दों में उन्होंने हरियाणा को भी बता दिया कि हमारे पास पानी नहीं है मौजूदा स्थिति को देखते हुए। और सभी जो अपने पंजाब की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने यह कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के ऊपर ट्रिब्यूनल गठित होना चाहिए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाए पड़ोसी राज्य को भी कि पंजाब की मौजूदा स्थिति क्या है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बहुत बड़ा होगा। और आज तक जो देखा गया है पिछली सरकारों में, पिछली बार जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने पंजाब में विधानसभा के अंदर पानी को बचाने के लिए एक बिल भी लेकर आए थे, और उसके बाद उनको पंजाब पानी का राखा भी कहा गया था। और कल की मीटिंग के बाद क्या ऐसा है कि पंजाब विधानसभा में इस तरीके का बिल और कोई पास हो जाए। और ये थी पंजाब की पक्ष। अब हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा इस पक्ष को, इस मीटिंग के बाद हरियाणा की क्या विचारधारा थी, क्या बयान थे, वो हम देखते हैं। जैसे ही पंजाब की सर्वदलीय मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हरियाणा के ऊपर पड़ा, और हरियाणा में हलचल, राजनीतिक हलचल शुरू होगी। जैसे हम सब जानते हैं कि SYL हरियाणा की लाइफ लाइन है, और हरियाणा के पक्ष में एक बात और जारी है कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के केस जीतने के बाद भी हरियाणा पानी लेने में आज तक नाकामयाब रहा है। इसमें CM हरियाणा की स्टेटमेंट ये आई कि मनोहर लाल जी की, कि ये जो सर्वदलीय मीटिंग हुई है, इसका फ्यूचर के अंदर लाभ जरूर होगा, और वो लाभ क्या होगा, किस तरह का होगा, ये उन्होंने उन्होंने नहीं बताया। ये भविष्य के गर्भ के अंदर है। और उसके तुरंत बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड रुख स्पष्ट किया कि SYL हरियाणा की लाइफ लाइन है, हरियाणा को हिस्से का पानी उसको मिलना चाहिए, और ये सब बैठकर ही
फैसला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको केंद्र सरकार ने भी कहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सब सभी सरकारें, दोनों स्टेटों की सरकारें बैठकर ये फैसला लागू करें। और उसके बाद कई मीटिंगें भी हुई हैं, आमने सामने पंजाब हरियाणा के अधिकारियों की मीटिंग हुई है, लेकिन फिलहाल आज तक इस फैसले का कोई भी, यानी हम कह सकते हैं कोई भी जवाब या आंसर नहीं मिल सका हरियाणा की जनता को। और अब हम बात करेंगे जो ट्रिब्यूनल की बात है, और पंजाब हरियाणा के लोगों के जहन में भी, सरकारों के जहन में भी एक बात आ रही है कि इस पानी का फैसला, SYL का फैसला कब तक होगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को ली, पंजाब ने कहा कि ट्रिब्यूनल की गठित होना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम ट्रिब्यूनल की बात करें कि 10 अप्रैल 1979 को गोदावरी ट्रिब्यूनल हुआ था, और कृष्णा नदी वाटर डिस्प्यूट 27 मई 1976 को हुआ था। और अब हम बात करेंगे कि फंक्शनिंग क्या होती है ट्रिब्यूनल की। जैसे अब आज तक तो SYL के ऊपर बयानबाजी होती रही हरियाणा की तरफ से भी और पंजाब की तरफ से भी, अब फंक्शन क्या होगा ट्रिब्यूनल का, फंक्शन क्या होता है, वो किस आधार पर काम करते हैं। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि कितना पानी एक साल के अंदर दरिया के अंदर आया, नदी के अंदर। फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ वाटर। फिर तीसरा बात कि रिटर्न फ्लो ऑफ वाटर, जो डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल, अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक साल में कितना यूज हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री के लिए कितना पानी यूज हुआ एक साल के अंदर, ये मापदंड होते हैं ट्रिब्यूनल के। और सबसे बड़ी बात हो, ये जो मापदंड ट्रिब्यूनल करता है, इसी के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर नदियों के बंटवारों, पानी के बंटवारों के फैसले हुए हैं। तो अगर इस तरह का कोई ट्रिब्यूनल केंद्र सरकार बीच में, इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान होगा कि अगर इस तरह का ट्रिब्यूनल गठित होता है, कम से कम हरियाणा को और पंजाब को एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे पंजाब कहता है कि मेरे पास पानी नहीं है मौजूदा स्थिति को देखते हुए, और हरियाणा कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो उसको ये पता चल जाएगा लोगों को कि वाकई में धरातल पर SYL की क्या स्थिति है। वो पूरी तथ्यों के साथ पता चल जाएगी कि वाकई क्या पंजाब के पास पानी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे, ये थी आज SYL जो लाइफलाइन है, इसमें दोनों सरकारें अपने अपने हक लेने के लिए खड़ी हैं। विधानसभा पर भी बहुत बड़े मुद्दे, इस पे मुद्दे पर बहस हुई है, लेकिन ज्यों का त्यों रहा। लेकिन भविष्य के अंदर लगता है कि कल जो सर्वदलीय मीटिंग हुई है पंजाब की, उसको देखते लगता है कि SYL पर कि केंद्र सरकार के योगदान के द्वारा कोई ना कोई भविष्य के अंदर फैसला हो सकता है। और ये थी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी की रिपोर्ट, SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के ऊपर। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।